गुस्ताखी भी करता है और मुसलमानों की दिलाजारी भी करता है, उसके खिलाफ अगर कोई बात होती है तो ये यूएनओ भी उठ के खड़ी हो जाती है और ये तमाम आलमी ताकतें भी उसकी एक शख्स की हमायत में खड़ी हो जाती है। जबकि लाखों की तादाद में शहीद होने वाले कश्मीरी, लाखों की तादाद में कश्मीर होने वाले शहीद होने वाले फलस्तीनी, शामी, लबनानी, मुसलमान मुसलसल जबर जुल्म का शिकार हो रहे हैं, उनके हक में कोई आवाज नहीं उठती। तो हम अपने हुक्मरानों से ये मुतालबा करते हैं कि आप आगे बढ़े और मिली का मुजाहरा करते हुए कोई कदम उठाए, कोई पानी कदम उठाओ। अगर आप लोगों का अल्लाह और अल्लाह के कुरान पे यकीन नहीं है तो आप मुजाहदीन को इजाजत दे दो कि वो जिहाद में शरीक हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे अफगानिस्तान से रूस का गला कमा हुआ और अमेरिका को पछताई हो रही है, इसी तरह इंशाल्लाह इसराइल को भी इस दुनिया के खित्ते से मिटा देंगे मुजाहदीन। आप आगे बढ़े, हिम्मत नहीं है तो आप हमें इजाजत दे दो। इसी पे मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ कि बहुत सीनियर साथी मौजूद हैं ताकि वक्त बहुत कम है, आपसे इजाजत चाहता हूँ। फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन के मुजाहिद जिंदाबाद, फलस्तीन के मुजाहिद जिंदाबाद, फलस्तीन के पेशे जिंदाबाद, फलस्तीन के शहीदों मकरूब के लिए मुख्तार खराब के लिए गुजारिश करूंगा। मोहम्मद यूनुस अरबी के जनरल सर्दी जमा दो स्वामी इलाका जनूबी, वो आपसे मुखातम है मोहम्मद यूनुस अरबी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज लाहौर के इन गयूर मुसलमानों की तरफ से पूरी दुनिया को ये पैगाम देता हूँ कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, इनके किसी भी जिस्म के हिस्से पर तकलीफ होगी तो इसका दर्द पूरी उम्मत मुस्लिमा को होगा। आलमे हुक्मरान जो है, दुनिया के जो हुक्मरान हैं, जो पूरी दुनिया के ऊपर ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बने हुए हैं, अमेरिका, ब्रिटानिया, फ्रांस, जर्मनी, ये जो जानवरों के हकूक की बात करते हैं और बड़ी बड़ी पाबंदियां लगा देते हैं, मनसूख
दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला फलस्तीन में होने वाली यह बर्बरियत पर मुसलमानों की मदद फरमाए और इसराइल को नेस्त और नाबूद कर दे, इस नाजायज हुकूमत को, इस नाजायज मुल्क को दुनिया के नक्शे से मिटा दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं गुजारिश करूंगा साबिक नाजिम यूसी 206 आमिर निसार खान साहब से कि वो इंशाल्लाह करूंगा जी। गुजारिश है कि अब्दुल रशीद मिर्ज़ा जो हमारे डिप्टी सेक्रेटरी है जमात इस्लामी लाहौर के, वो आपसे मुख्तसर खिताब फरमाए। अब्दुल रशीद मिर्ज़ा साहब जी, बिल्कुल। रहमान रहीम, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, तपकेगा तो जम जाएगा। पाकिस्तान के गयूर अवाम, जिस मकसद पक्का किया गया है वो मसला आलमी इस्लाम का मसला है, फलस्तीन का मसला है, वो मसला इसराइल का मसला है, जिसने फलस्तीन के बच्चों को, फलस्तीन की खवातीन को, फलस्तीन की ईमान को पिछले चंद दिनों के अंदर जिन पे बम और मिसाइल बरसाए, जिसके नतीजे में हजारों बच्चे और आवाम के और खवातीन वहां पे लुकमाए अजल बने। अफसोस इस बात का है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि एक दिन आएगा मेरी उम्मत के लोग, मेरी उम्मत के हुक्मरान वहां की बीमारी का शिकार हो जाएंगे, वो दुनिया से नफरत करेंगे, आखिरत से बिल्कुल दूर हो जाएंगे, इस फिक्र से दूर हो जाएंगे कि फलस्तीन के हजारों बच्चों को लुकमाए अजल बनाया जा रहा है। मेरे भाई और दोस्तों, आज हमारी तरफ से हाथ में शहीद बच्चों ने, फलस्तीन की शहीद बच्चों ने पूरी